हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम रिसेंटली रिलीज हुई डीसी की मूवी ब्लैक एडम को लेकर डिस्कस करेंगे। हाँ पता है थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि मैंने भी मूवी बहुत लेट से देखा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये एक काइंड ऑफ स्पॉयलर फ्री ही रिव्यू होगा क्योंकि ये वीडियो पहले से मैं बना के रख रहा हूँ। और तो टेंशन मत लेना, स्पॉयलर वाला बात मैं एक और एक वीडियो बनाऊंगा। स्पॉयलर वाला वीडियो भी एक ही टाइम पे शायद रिलीज होगा, तो वो भी चेक कर लेना क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है। तो चलिए वीडियो को एकदम से शुरू करते हैं। ब्लैक एडम डीसी की और एक मूवी है जो इसी साल आया है। पहला था बैटमैन, अगर मैं डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स को छोड़ दूँ तो, क्योंकि वो एनिमेटेड था। डीसी वालों के लिए तो एकदम मज़े ही मज़े, डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स, बैटमैन, ब्लैक एडम बहुत निकला है इस साल। अब फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सभी का मिक्स्ड रिव्यूज आ रहा है। अगर मैं बैटमैन से कंपेयर करूँ तो देखो, बैटमैन का स्टोरी और प्लॉट बहुत ही अच्छा था और ब्लैक एडम में फाइट सीन्स भर भर के थे, लेकिन मेन स्टोरी में उतना फोकस नहीं किया गया। बस एक विलेन है ब्लैक एडम जो वर्ल्ड की हायरार्की ऑफ पावर को चेंज करेगा किसी भी कीमत पर, मासूमों की जान लेकर भी, और कुछ हीरोज है जो उनको रोकने की कोशिश करेंगे। स्टोरी में दम है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन स्टोरी में और भी प्लॉट्स हैं जो मूवी देख के ही आप लोगों को समझ पाएगा, नहीं तो वो स्पॉयलर हो जाएगा। हमें कुछ आइकॉनिक हीरोज के साथ इंट्रोड्यूस तो करवाया जाएगा जस्टिस सोसाइटी के थ्रू, मगर उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करने का उतना टाइम नहीं दिया जाएगा। इस मूवी एक ड्रॉबैक यही है। हाँ मगर कुछ कनेक्शन बिल्ड तो करोगे, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, लेकिन और थोड़ा सा टाइम मिल सकता था जस्टिस सोसाइटी को। मुझे लगा कि जल्दबाजी में सब कुछ दिखा दिया। अगर मैं थोड़ा सा मूवी को लेके बात करूँ तो इनकेस आप जानते ही होंगे ब्लैक एडम कौन है, तो अगर नहीं जानते मैं वो भी बोल दे रहा हूँ कि आपको पहले शज़ाम देखना पड़ेगा, तो ब्लैक एडम बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ब्लैक एडम एक एंटी हीरो या एंटी विलेन या तो बोलना चाहिए बोलो, जो कंथक नाम के एक नेशन से बिलोंग करता है, उसको रोकने के लिए जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को भेजा जाता है। अब जस्टिस सोसाइटी और मेन विलेन ब्लैक एडम का क्या होगा ये तो मूवी देखकर ही पता चलेगा आप लोगों को। एक चीज़ मुझे उतना पसंद नहीं आया, मतलब ठीक ठाक था, वो था ड्वेन भाई का एक्सप्रेशन। मतलब कुछ कुछ जगह था ऐसा जहाँ ड्वेन भाई का एक्सप्रेशन उतना सूट नहीं करता सिचुएशंस की तरह, तो वो एक ड्रॉबैक था। लेकिन बहुत परफेक्ट एक्टर थे और बहुत एक्शन सीन्स भी थे, तो उन पर ज़्यादा गौर नहीं किया गया। उसका एक्सप्रेशन सीनारियों के साथ मैच नहीं करता था, एक्टिंग तो परफेक्ट था, लेकिन ब्लैक एडम मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी क्योंकि इससे डीसी का भाग्य खुल सकता है और हम लोग सुपर हीरो फैंस तो यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अगर फिर से कोई उठपटांग कांड ना कर दे वार्नर ब्रॉस वाले या डीसी वाले, तो बचाया जा सकता है डीसी को। अब आते हैं मूवी के CGI, VFX, बैकग्राउंड स्कोर एक्सेट्रा इन सब। इस मूवी में भर भर के एक्शन सीन्स हैं, VFX एकदम टॉप नॉच है और CGI तो एकदम क्या ही बोलूँ। ऐसे मूवी मुझे चाहिए थी, नहीं तो शी-हल्क देख के कैंसर ही हो जाता। डीसी वालों ने बहुत पैसा खर्चा किया है VFX के ऊपर, और हो भी क्यों ना, एंड बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत अच्छे थे। एक चीज़ मुझे नहीं पता, ये PG-13 बोल के इतना ब्रूटल कैसे, मार्वल एंड डीसी वालों के लिए अलग से PG-13 निकल गया है क्या, जहाँ बच्चों के लिए ब्रूटल चीज़ दिखाना है जायज़ है। वैसे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मूवी उतना भी ब्रूटल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये A-rated तो होना ही चाहिए था। बहुत सीन्स कट करके PG-13 हुआ है, लेकिन स्टिल ये लार्जर ऑडियंस को टारगेट करने के लिए शायद किया है, मतलब सारे बाउंड्रीज को PG-13 का क्रॉस कर दिया आई गेस, क्योंकि ये मूवी अपने थीम को बखूबी निभाता है और बरकरार भी रखता है। मगर एज अ फैन जो कॉमिक बुक्स में ब्लैक एडम को जानता है, उन लोगों के लिए ये PG-13 नहीं जमता, एंड मेरे लिए भी एटलीस्ट A-rated होना चाहिए था। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अब मूवी का ऑल ओवर एक रिव्यू दे देता हूँ।
ये एक टाइप ऑफ ओरिजिन स्टोरी है, तो मेरे मुताबिक ये परफेक्ट है। आप इसको एंड गेम, डार्क नाइट इन सब से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब अपने एक बेस के ऊपर है। एवेंजर्स 1, एवेंजर्स 2 ऐसे बेस के ऊपर है, लेकिन ये एकदम बेस मूवी है ब्लैक एडम का। तो आप इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे कि ये एंड गेम लेवल हाइप का होगा। डीसी वाले बच गए क्योंकि इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, और हम लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ। मैं एक चीज़ ही बोलूँगा, अगर पॉसिबल हो तो इस मूवी को बड़े पर्दे पर ही देखें, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। और पोस्ट क्रेडिट सीन तो बहुत ही अच्छा है, तो आप जाके देखें, इंजॉय करें। पॉसिबल हो तो ज़्यादा मज़ा इस मूवी को बड़े पर्दे पर ही देखें। एंड टू बी ऑनेस्ट, डीसी के पास अभी भी चांस है कमबैक करने के लिए। तो इसी के साथ हम वीडियो को ये पर एंड करेंगे। मैं उतना बड़ा वीडियो नहीं बना रहा, बाकी सब हम स्पॉयलर में बात करेंगे, स्पॉयलर वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, ऐसे ऑसम कंटेंट मिस ना हो। सो स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस एंड स्टे नर्डी। आप लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।